हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कारपेंटरी व्यवसाय में काम आने वाले प्रमुख चीजलिंग टूल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चीजलिंग टूल्स क्या होते हैं। तो वे औजार या उपकरण जिनका प्रयोग चीजलिंग करने अर्थात छिलाई करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, वे सभी चीजलिंग टूल्स कहलाते हैं। तो छीलने के लिए अनेक प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजलों को शामिल किया जाता है। चीजल कार्य के अनुसार दो प्रकार की होती है, लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी का मतलब होता है हल्के कार्य की चीजल और हैवी ड्यूटी का मतलब होता है भारी कार्य की चीजल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चीजल होती कैसे है। जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये चीजल है, ये इसका ब्लेड कहलाता है जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है। ये इसका कटिंग एज, कटिंग एज का जो एंगल होता है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। इस ब्लेड को हैंडल में फिट करने के लिए इसमें एक टैंग बनी होती है। ये लकड़ी का या प्लास्टिक का बना हैंडल होता है। हैंडल को फटने से रोकने के लिए एक लोहे के रिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे फेरूल कहा जाता है, और ये इसका भाग कहलाता है नेक। तो नेक और फेरूल के मध्य में एक चमड़े का वाशर लगाया जाता है, जिससे अब जब हम इस पर मैलेट से चोट मारते हैं तो हैंडल का फटने का खतरा कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लाइट ड्यूटी चीजल्स के बारे में, हल्के कार्य की चीजल के बारे में जानेंगे कौन कौन सी चीजल होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है फर्मर चीजल, दूसरी आती है चॉपिंग चीजल और तीन नंबर पे आती है पेयरिंग चीजल। तो फर्मर जो चीजल होती है वो सादा चीजल होती है, सादा चोरसी होती है। चीजल की जो ब्लेड होती है वो स्ट्रेट एज और बेवल्ड एज दो प्रकार से होती है। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, इस चीजल का जो ब्लेड है, इसका जो ब्लेड है ये तो है बेवल एज, इसको बेवल किया होता है, और इस वाली चीजल का जो ब्लेड है स्ट्रेट एज है, इसे सादा फर्मर चीजल कहा जाता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे पहले से बनाए गए जो सुराख होते हैं उनकी सफाई करने में, झिरी के सुराख सफाई करने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चॉपिंग चीजल, जो चॉपिंग चीजल होती है ये भी दोनों प्रकार के ब्लेडों में उपलब्ध होती है, बेवल एज में भी और स्ट्रेट एज में भी। इसका प्रयोग जो चॉपिंग चीजल होती है, इसमें फ़र्क ये होता है कि जो अधिक चौड़ी ब्लेड की जो फर्मर चीजल होती हैं, यानी जिन फर्मर चीजल के ब्लेड की चौड़ाई अधिक होती है, करीबन 2 इंची के करीबन इनकी चौड़ाई होती है, तो ये कहलाती हैं चॉपिंग चीजल। इसके अलावा पेयरिंग चीजल, तो पेयरिंग चीजल ये भी एक प्रकार की फर्मर चीजल ही होती है, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि जो लंबे ब्लेड की चीजल होती है, जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, सबसे लंबी जो ब्लेड की चीजल होती है इन्हें कहा जाता है पेयरिंग चीजल। इनका प्रयोग जो गहराई में बने सुराख होते हैं उनकी सफाई करने में, या जो ग्रूव होते हैं गहराई में बने हुए उनका सफाई करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लंबाई अधिक होने के कारण, ब्लेड की लंबाई अधिक होने के कारण ये इनकी ब्लेड काफ़ी पतली होती है, तो ज़्यादा जोर से चोट इन पर हमें नहीं मारनी चाहिए, इनको हल्के हाथ के दबाव से इनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये हल्के कार्य की चीजल हो गई। अब होती है भारी कार्य की चीजल, हैवी ड्यूटी चीजल कौन सी होती है। तो हैवी ड्यूटी चीजल में सबसे पहले नंबर पे आता है मोर्टाइज चीजल। मोर्टाइज का मतलब होता है जब हम खिड़की दरवाजे आदि बनाते हैं तो उनमें इस तरह की जो संरचना बनाते हैं, मोर्टाइज जो सुराख बनाते हैं इसे कहते हैं मोर्टाइज। तो इसको बनाने के लिए भारी कार्य की चीजल की आवश्यकता होती है, तो इन्हें भारी कार्य की चीजल कहा जाता है और इन चीजल का नाम है मोर्टाइज चीजल। ये सभी हैं मोर्टाइज चीजल। इनका अलग अलग साइज होता है, 6 mm से लेकर 12 mm तक का इनका अलग अलग साइज उपलब्ध होता है। इनके ब्लेड की चौड़ाई कम होती है लेकिन मोटाई ज़्यादा होती है, जिस कारण ये इन पर काफ़ी आघात ये सह सकती हैं। इनमें भी जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है, और यहाँ पे एक टैंग का प्रयोग नहीं किया जाता इनमें, जैसे फर्मर चीजल में टैंग का प्रयोग किया जा रहा था हैंडल को ब्लेड में फिट करने के लिए। इनमें सॉकेट होता है जो काफ़ी मजबूत होता है, तो इनका प्रयोग भारी कार्य में किया जाता है। इनके ऊपर मैलेट या फिर हथौड़े से चोट मारी जाती है। इसके अलावा भारी कार्य की चीजल में आती हैं सॉकेट चीजल। तो ये भी फर्मर चीजल की तरह ही होती हैं, लेकिन इनमें भी टैंक का प्रयोग नहीं होता। इनमें भी हैंडल के साथ ब्लेड को जोड़ने के लिए एक सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई सॉकेट चीजल। ये भी हैवी ड्यूटी चीजल होती हैं। ये भी आधा इंची से लेकर
12 mm से लेकर 50 mm 2 इंच तक की चौड़ाई में ये उपलब्ध होती हैं। इसके बाद आता है एज, जिसे बसोला भी कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण चीजलिंग टूल्स है जिसका प्रयोग छिलाई करने के लिए भी किया जाता है और छिलाई के साथ साथ इसका प्रयोग मैलेट की जगह चोट मारने में भी किया जाता है। इसका हिस्सा जैसे हम देख पा रहे हैं आगे, तो इसमें कटिंग एज बना हुआ होता है जो छिलाई करने के काम आता है इस तरीके से, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो स्ट्राइक करने के काम आता है अर्थात चोट मारने के काम आता है। तो ठोकने के लिए भी इस औजार का प्रयोग किया जाता है। यह एक हैवी ड्यूटी चीजलिंग टूल्स होता है जो रफ कार्य की चीजलिंग करने के लिए, यानी जब मोटी जो लकड़ी होती है उसकी चीजलिंग करने के लिए सबसे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। खुरदरा और असमतल चीजलिंग का यह औजार है जिसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में छिलाई करने के लिए किया जाता है। ये हो गया मैलट। ये लकड़ी का एक हथौड़ा होता है जिसका प्रयोग चीजल पर चोट मारने के लिए किया जाता है। चीज़ें विभिन्न प्रकार की होती हैं, माइल्ड स्टील की बनी होती हैं, इनमें एक फेरूल का प्रयोग किया जाता है ताकि हैंडल को फटने से रोका जा सके। तो आज इस वीडियो में हमने बात की प्रमुख चीज़लिंग टूल्स के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी तरीके से और नए टूल्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।